हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट वाली सेव खमनी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आप इसे सुबह या फिर शाम के नाश्ते में बना सकते हैं। एक बहुत ही गुजराती डिश है, बहुत ही फेमस डिश है ये। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो है खमन बनाना पड़ेगा। तो खमन ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 2 कप जितना बेसन ले लिया है। अब उसमें मैं डाल दूंगी आधे चम्मच जितना नींबू के फूल, और उसके बाद डाल देंगे थोड़ा सा नमक, जरा सी हल्दी भी डाल देंगे कलर के लिए। अभी इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर एक बैटर तैयार कर लेंगे। एक साथ में आप बहुत ज्यादा पानी नहीं डाल सकते, थोड़ा थोड़ा कर कर ही पानी डालें इसमें। बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए बैटर में, वरना जो आपका ढोकला है वो अच्छे से नहीं बनेगा। तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे व्हिप करते जाएंगे और एक अच्छा सा पोर कंसिस्टेंसी वाला बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर बनाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हम जिस साइड भी इसे मिक्स करें उस एक साइड पर ही हमें मिक्स करते रहना है। तो देखिए, हमारा बैटर तैयार हो चुका है। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की। अभी इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। तब तक मैंने यहाँ पर स्टीमर में पानी गर्म कर लिया है। आप चाहे तो कोई भी बड़े पतीले में भी गर्म कर उस पर मोल्ड रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टीमर की जो थालियाँ थी उसे ग्रीस कर लिया है। अभी बैटर में हम खाने वाला सोडा डाल देंगे लगभग आधा चम्मच जितना, और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर में। बैटर जो है वो हमारा एकदम अच्छे से फूल जाएगा और बिल्कुल ही हल्का हो जाएगा। तो अभी हम इसे हमारी जो ग्रीस की हुई थालियाँ है उसमें पोर कर देंगे। थालियाँ जो है वो हमें पूरी नहीं भरनी है, लगभग आधी हमें खाली रखनी है, आधी ही उसमें भरना है हमें बैटर, क्योंकि जब वो फूलेगा तो वो पूरा भर जाएगा। और इसे टेप टेप कर कर हमें इवन कर लेना है। तो अभी जो स्टीमर है उसमें मेरा पानी गर्म हो चुका है, तो दोनों थालियाँ मैं एक के ऊपर एक रख दूंगी। अगर आपके पास पतीला है तो उसमें आप नीचे कोई भी कटोरी रखकर उस पर भी रख कर अच्छे से उसे ढककर पका लीजिए। लगभग 15 से 20 मिनट तक हमें ढोकले को पकाना होगा। तो 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं हमारे ढोकले को। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से फूल गया है, और देखने से ही पता चल रहा है कि ये एकदम जो है वो पक चुका है। लेकिन आप फिर भी श्योर नहीं तो आप टूथपिक या फिर चप्पू की मदद से चेक कर लीजिए। और अभी इसे हम साइड में रख कर ठंडा होने देंगे, और एक बार जब ठंडा हो जाए उसके बाद ही हम उसका चूरा करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक ढोकला काट कर भी दिखा देती हूँ कि बहुत ही अच्छे से हमारा ढोकला जो है वो फ्लफी बनकर तैयार हुआ है। देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा ढोकला जो है वो फूला है। तो सारे ढोकले मेरे जो यहाँ पर ठंडे हो चुके हैं, और अब हम इसका चूरा बना लेंगे इस तरह से खमनी के लिए। अगर आपका ढोकला गर्म होगा तो वो हाथों में चिपकेगा और ऐसा होगा, अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद ही हमें उसका चूरा बनाना है। तो मेरा यहाँ पर चूरा बनकर तैयार हो चुका है ढोकले का। तो अभी इसके तड़के के लिए यहाँ पर मैंने लगभग 3 चम्मच जितना ऑयल लिया है पैन में। ऑयल गरम हो जाए उसके बाद हम उसमें डाल देंगे राई।
राई को जो है 1-2 सेकंड के लिए अच्छे से फूटने देंगे। जब अच्छे से फूट जाए तो उसके बाद डाल देंगे थोड़ी सी हींग, एक करी पत्ता और 2 काटी हुई हरी मिर्च। अभी इस तड़के को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे लगभग 4 से 5 बड़ी चम्मच जितनी चीनी और लगभग 1/2 कप जितना पानी। अभी जो इस पानी को है हमें बहुत ही अच्छे से उबालना है। अगर आप अब वो कम लगे तो आप थोड़ा सा और पानी भी डाल सकते हैं। पानी जो है वो अच्छे से उबल चुका है। लगभग 2 से 3 मिनट तक हमें इसे उबालना है मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद हमने जो चूरा किया था ढोकले का वो ऐड कर देंगे और बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए हम पका लेंगे। आप चाहे तो आप ढोकला रात को भी बना कर सुबह सिर्फ तड़का देकर नाश्ते में सेव खमी बना सकते हैं। अच्छे से हमें इसे मिक्स करते रहना होगा, इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है वरना जो है ढोकला वो नीचे से चिपक जाएगा। और बिल्कुल ही हल्के हाथों से हमें इसे चलाना है। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले अच्छे से हमारे ढोकले की खमनी है वो तैयार हो चुकी है। अगर आपको इसमें थोड़ा मीठापन कम लगे तो आप ऊपर से चीनी डाल सकते हैं और थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए। यहाँ पर मैं ऊपर से थोड़े से धनिया ऐड कर दूंगी, हरे वाले धनिया। और बस लीजिए, तैयार है हमारी गर्मा गर्म सेव खमनी, बहुत ही चटपट से तैयार हो गई। तो अभी इसे हम सर्व करने जाएंगे तब उसके ऊपर थोड़ी सी सेव भी ऐड कर देंगे। और बस गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय कीजिए।